तो और आप देख सकते हो पर एमी भाई। वेलकम टू न्यू ब्लॉग 24 ब्लॉग यूट्यूब चैनल में स्वागत है तुम्हारा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया हो गए। सो मैं अभी जाने वाला हूँ भाई लोग, मेरे को भी पता नहीं भाई, इधर तुषार भाई और राखी भाई भी है देख सकते हो आप भाई आटाओ देखो और किधर जाने का भाई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी कितने बजे है भाई? अभी 6:30 बजे है गाइस। आपको सुबह दिखाई दे रहा होगा लेकिन तो गाइस अभी सुबह के 6:30 बजे है, आपको थोड़ा दिन लग रहा होगा लेकिन आप सुबह सुबह उठे देख सकते हो हमारे आंखें भी सो जाई है। तो गाइस हम जाने वाले आज पहली बार गुजरात में, मतलब सोचकर चलो भाई अभी जाने वाले। तो गाइस देखते हैं, हम पहली बार जाने वाले, तो पहली बार का एक्सपीरियंस कैसा होता है आपको शेयर करेंगे, क्या क्या है देखने लायक। हम भी पहली बार देखेंगे तो हमें थोड़ा अलग ही महसूस होगा ना, जब देखेंगे तब अलग ही महसूस होगा। तो देखते हैं क्या होता है सोनगढ़ में, कैसा है। हमें कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं, सोनगढ़ का ये पता था बस। अभी यहाँ से 90 किलोमीटर है तो देखते हैं सफ़र कैसा होता है। अभी हम विश्ववाणी में जाएंगे, वहाँ हमारा दोस्त भी आने वाला, दोस्त को लेके सीधा सोनगढ़। और हम अभी है दहीवेल गांव में दोस्तों। तो तुम्हें बता दूँ, तुषार भाई ने मेरे को 5 बजे से उठा के रखा है और मुझे पता नहीं तुषार भाई कब से उठे है, मतलब आप समझ सकते हो। हम अभी 6:30 बजे दहीवेल में दोस्तों, और बंटी भाई भी अभी आए उनके गाँव से, और हम अभी दहीवेल में मिले थे। फिर अभी हम यहाँ से तीनों लोग जाने वाले गाइस। दोस्तों समझ सकते हैं, हम घर से मतलब 6 बजे निकले थे और दूसरा भाई मेरे पास 5 बजे आ चुके थे, तब मैं सोया था दोस्तों। अभी मैं एकदम रेडी वेडी हो चुका हूँ अभी निकलने के लिए। तो ज़्यादा ब्लॉग को चालू करते हैं। शादी वगैरह में कुछ नहीं जा रहे, हम सिर्फ घूमने के लिए जाने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन सोनगढ़ इन गुजरात। गुजरात में पहली बार तो नहीं दोस्तों, मतलब उस साइड पहली बार जा रहे हैं हम, सोनगढ़ साइड। तो हमारा भी फर्स्ट टाइम है तो मजा तो करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो मजा तो करेंगे ही। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आगे विस्तरवाड़ी के पास, क्योंकि हमारा और एक दोस्त आने वाला है आगे से। आज सिर्फ बकचोदी सुनना है आपको, सिर्फ आज एंटरटेनमेंट मिलेगा वो भी बकचोदी वाली। आप नहीं गए हो तो देख लेना हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा, वैसे ही आपका भी। वैसे हम रास्ते रास्ते में आपको बोर करते रहेंगे जगह जगह पर। तो चलो अच्छी लोकेशन देखे तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे। मुझे आज फोटो खिंचवाना है मेरा, क्योंकि मैंने 2-3 सालों से फोटो ही नहीं खिंचवाया। तो चलो आज मिलते हैं आगे। ये देखो भाई अभी निकल चुका हूँ, अभी रॉकी भाई गाड़ी चला रहा है, देख सकते हो सामने से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है देख सकते हो भाई। विश्ववाड़ी गांव में दोस्तों, तो मतलब जो हमारे फ्रेंड लोग आने वाले हैं उनकी राह देख रहे हैं हम अभी। तो यहाँ से सीधा निकलेंगे अभी उनके साथ ही जाएंगे, तो हमें भी पता नहीं कहाँ रुकना है। देखते हैं, और अभी एकदम स्लो राइडर है तो हम भी उनके साथ एकदम आराम से जाएंगे दोस्तों। आराम से जाएंगे, उनके पीछे पीछे ही रहना पड़ेगा ना, आपको इतना पता नहीं, नहीं। तो उनके साथ वो साथ में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी इससे पहले ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ा फोटो शूट कर रहे थे इंस्टा पे डालने के लिए। अगर आप हम कभी कभी बैंड के वीडियो इंस्टा के कहा अपडेट दे देते हैं पर्सनल लाइफ के, और कभी कभार वहाँ पे भी मतलब जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन बोलते हैं क्या उसको, वो भी डाल देते हैं। हाँ इंफॉर्मेशन भी डालते हैं, तो आप इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लेना कि कौन से गाँव में कौन सी तारीख को बैंड आने वाली है, आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। मतलब आप भी अपडेट रहोगे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, सिर्फ हमारी स्टोरी देख लेने का आपको अपडेट मिल जाएगी। उनका है भाई दोस्त लोगो ऑलराउंडर रॉकी, तो सर्च कर लो तुषार सहिल 1-2-3 ऑलराउंडर रॉकी और ऑलराउंडर बंटी भाई और बंटी ब्लॉग्स। तो
गाइस चलो हम तीनों को फॉलो कर लेना, मतलब हम मिल ही जाएंगे, एक मिला तो हम दोनों देखते इस वीडियो के बाद हमें कितने फॉलोअर्स मिलते हैं। हाँ देखते चलो मिलते थोड़ी देर में मिलते। ये देखो भाई अभी ईश्वरवाड़ी के आगे है और आगे तुषार भाई भी चल रहे हैं और ये देख सकते हो कितनी ट्रैफिक लग चुकी है ये देखो। और इधर रेलवे आने वाली है इसलिए ट्रैफिक लगी है, देख सकते हो रेलवे ट्रैक इधर देख सकते हो, हम नीचे से जाने वाले हैं देख सकते हो आप लोग, और इधर रेलवे आने वाली है ये देखो आ गए भाई, रुका लो भाई थोड़ा, इधर रुका लो थोड़ा देर। ये देखो भाई रेलवे जा रहे है देख सकते हो आप लोग, बढ़िया तरह से देखो कितनी बड़ी है मालगाड़ी शायद से। देखो इधर से बहुत ट्रैफिक लगी है देख सकते हो आप लोग। ये देखो कितनी बढ़िया है देख सकते हो आप लोग, चल दो फिर चलते हैं आगे, तुषार भाई हो रहे ये भी निकल चुके हैं, ये देखो कितनी बड़ी है और हम नीचे से जाने वाले हैं इधर से। ये देखो गाइस अभी नवापुर में पहुंच चुके हैं देख सकते हैं आप लोग, इधर नवापुर का पूरा इधर वन वे है देख सकते हैं आप लोग, हम इधर जाने वाले हैं देख सकते हैं आप, देखो बहुत ही बढ़िया लगता है इधर नवापुर में, फर्स्ट पहली बार आ रहे हैं भाई लोग इधर नवापुर में, अभी तक आया नहीं मैं, अभी सोनगढ़ जाने का है हमको इधर से नवापुर से। गाइस कितना बढ़िया लग रहा है और हम आगे हमारे तुषार भाई चलते हुए आदिवास और अंडर, ये देखो भाई अभी रेलवे जा रहे हैं देख सकते हैं, देखो भाई दोस्तों हम अभी नवापुर से बहुत दूर आ चुके हैं और यहाँ से सोनगढ़ 15 किलोमीटर है, हम यहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके थे तो सोचा क्यों ना आपसे बात कर लिया जाए, तो बंटे भाई कुछ बोल दो आप भी। और पीछे देखो हमारे फ्रेंड लोग खड़े हैं और हमारे तुषार भाई कॉलिंग पे लटके और इधर कौन से होटल बोले तापे होटल इधर है देख सकते हो आप, और हमारे फिलिप भाई है ना फिलिप भाई, और चलो उधर से आते और तभी कॉल करना पड़ेगा फिलिप भाई को, और हमारे रॉक भाई चलो अभी निकलते हैं थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो गाइस तापी होटल देख सकते हैं आप लोग, सभी बैंड इधर रुकते हैं खाने खाने के लिए, फेमस होटल है तापी होटल। भाई अभी मैं सोनगढ़ के पीछे हूँ, अभी इम्मी भाई का गांव इधर है, सो कॉल किया था तुषार भाई ने इम्मी भाई को, इधर है इम्मी भाई, सो बोला इम्मी भाई और गांव पे हूँ अभी, इम्मी भाई को मिलने जाना है ना भाई, उनके गांव जा रहे क्या भाई, देखो चलो अभी इम्मी भाई को मिलते हैं इधर इम्मी भाई के पास। हेलो गाइज, मैंने बताया था कि इम्मी भाई हम सोनगढ़ घूमने आए तो इम्मी भाई का गांव रास्ते में लगता है, चचरवंदा गांव है तो, और आप देख सकते हो पर इम्मी भाई। हेलो दोस्तों गाइज, इनके स्टूडियो में हम आए हैं रॉकी भाई, वैसे आए हो तो घूम के भी चले जाए ऐसे मतलब मिल के चले जाए, देख ही सकते हो आप उनका सेटअप, दिखा देता हूँ पहले मैं आपको। गाइज इम्मी भाई का आईफोन कटिंग स्पाइडर शैलेश भाई स्पाइडर।
देखो भाई अभी पहुंच चुका हूँ अभी सोनगढ़ में। ये देख सकते हैं आप लोग सोनगढ़ का पूरा नज़ारा, और आगे सोनगढ़ का गढ़ है, देख सकते हो किला, तुमको दिख ही रहा होगा शायद से, मैं जूम करता हूँ देखो। ये देखो ऊपर किला दिख रहा होगा सोनगढ़ का, इसको सोनगढ़ किला बोलते हैं। देखो हाँ, ये देखो भाई अभी मैं सोनगढ़ में घूम रहा हूँ, गली गलीचे में देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कैसे है, और देखो पीछे बहुत ही एंजॉय आ रहा है। तो हमारा रॉकी भाई बोलेगा वो देखो उधर एक्सीडेंट हो गया, गिर गए उधर पीछे आगे, और रॉकी भाई बोलता है कुछ मेरे भाई मेरा बोलना है यार, पेट बहुत दुख रहा है। रॉकी भाई का पेट प्रॉब्लम आ चुका है, क्या हो गया क्या मालूम। तो हम सोनगढ़ में घूम रहे भाई लोग, सो हमको पता नहीं किधर भी घूम रहे हैं। चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। चलो देखो भाई अभी रेलवे आने वाली है, अभी हम घर निकलने वाले हैं सोनगढ़ से आगे, अभी जा रहे हैं देख सकते हो आप लोग, रेलवे जा रहे हैं देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। भाई लोग सोनगढ़ से आए थे तो ब्लॉग एंड नहीं किया था, सो अभी सुबह एंड कर रहा हूँ, और तुषार भाई और रखे भाई चले गए घर पे, सो अभी मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।